पूरे महानगर में गोवर्धन पूजा की धूम रही। प्रत्येक मोहल्ले में महिलाओं ने गोवर्धन पूजा किया और अपने भाई की दीर्घायु होने की कामना की। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है। दीपावली के बाद पड़ने वाले इस त्यौहार पर लोग गोबर से गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाकर भगवान गोवर्धन की पूजा करते हैं। इस दिन भगवान को अन्नकूट का भोग लगाकर सभी को प्रसाद दिया जाता है। पूजा की मान्यता यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रिजवासी इंद्रदेव की पूजा कर रहे थे। उन्होंने अपनी माँ को भी इंद्र की पूजा करते हुए देखा तो पूछा कि लोग इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। तब उन्हें बताया गया कि वो वर्षा करते हैं जिससे अन्न की पैदावार होती है और हमारे गायों को चारा मिलता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा है तो सबको गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गाय तो वही चरती हैं। उनकी बात मानकर सभी ब्रिजवासी इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और प्रलय के समान मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रिजवासियों की भारी बारिश से रक्षा की थी। इसके बाद इंद्र को पता चला कि श्री कृष्ण वास्तव में विष्णु के अवतार हैं और अपनी भूल का एहसास हुआ। बाद में इंद्र देवता को भी भगवान कृष्ण से क्षमा याचना करनी पड़ी। इंद्र देव की याचना पर भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और सभी ब्रिजवासियों से कहा कि अब वे हर साल गोवर्धन की पूजा कर अन्नकूट पर्व मनाए। तब से यही पर्व गोवर्धन के रूप में मनाया जाता है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूजन कर रही शशिकला ने बताया। जी आप भी आइए बगल में, आप ना आइएगा, पता नहीं तीनों लोग वही खींचा जाएगा। दीदी की हमारा नहीं ले गए, आ जाओ चलो।
गोवर्धन पूजा आज हम लोग मनाते हैं। यम की बहन थी यमुना, तो यमुना बहुत कोशिश की थी कि यम हमारे घर आवे, यम को कभी फुर्सत ही नहीं मिलता था। यम सोचे बहन मेरी कितनी जिद्दी है, क्यों यमराज को नहीं बुलाता, फिर भी हमको बुला रही है। तो एक दिन बड़ा कोशिश करके ये पहुँच ही गए यमुना के किनारे। यमुना बड़ी प्रसन्न हुई, खूब स्नान ध्यान करके इनका पूजन उजन की और उनका पूरा मतलब कायदे से इनका खूब बढ़िया से स्वागत की। यमराज बहुत प्रसन्न हुए, कहे आज के दिन जो भी बहन मेरी पूजा करेगी उसको हमेशा उसका भाई अमर रहेगा और सदैव उसके मतलब मैके से लेकर ससुराल तक धन धान्य से परिपूर्ण रहेगी। तो यमुना कहीं कि ये बताइए भैया, आप तो ये करके चले जाएंगे तो हर भाई मेरे दरवाजे तक कैसे आएगा। तो उन्होंने कहा कि गोबर का गोधन बना करके यदि उस प्रतीक रूप में मेरी पूजा की जाएगी तब भी बहन को सफलता मिलेगी और मैं उनको पूरा आशीर्वाद दूंगा, उनका जीवन सफलतापूर्वक बीतेगा। उन्हीं की याद में आज हम लोग गोधन की पूजा करते हैं, गोवर्धन की पूजा करते हैं। इसके गोबर को ले जा करके लोग अपने घर में स्थापित करते हैं जिससे धन धान्य अन्नपूर्णा का वास होता है। उन्हीं की याद में भाई के आशीर्वाद के लिए सारी बहनें अपने भाइयों की अमर कामना के लिए उनको लंबी उम्र की कामना करते हुए इस पूजन को करती हैं। हमारे वहाँ ये विधान है।